नाज़रीन ग्रामीण, कुछ अरसा कबल हमारी जानिब से साबका फैश अदाकारा मिया खलीफा की जिंदगी पर एक वीडियो बनाई गई थी, जिसमें हमने मिया खलीफा की तरफ से दिए गए एक इंटरव्यू का जिक्र किया था, जिसमें मिया खलीफा की जानिब से पोर्न इंडस्ट्री के हवाले से ऐसे ऐसे राज खोले गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ मिया खलीफा पर नहीं रुका, बल्कि मिया खलीफा के बाद अमरीका से ताल्लुक रखने वाली लीना रोड्स ने भी पोर्न इंडस्ट्री को अंधेर नगरी और कैद खाना करार देते हुए होशरुबा इंकिशाफात किए हैं, जिनको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में लीना रोड्स की जानिब से दिए गए एक इंटरव्यू में उसने बताया कि मैंने सिर्फ 8 माह फैश फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे और इस दौरान मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़े जिनकी वजह से मेरी जहनी सेहत शदीद मुतासर हुई। मुझे डिप्रेशन का आर्जा लाहक हो गया और जहन में खुदकुशी के ख्याल आने लगे और मैं अक्सर खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती रहती थी। उसने मजीद बताया कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में इस मुख्तसर कैरियर ने मेरी जहनी सेहत को इस कदर तबाह किया कि तवील इलाज के बाद भी मैं अपनी सेहत संभाल नहीं पाई। लीना रोड्स ने बताया कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में अदाकाराओं को इंतहाई शदीद नोयत के मनाजिर अक्स बंद कराने पर मजबूर किया जाता है, जिनमें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है और कभी कभी ये तकलीफ इस कदर बढ़ जाती है कि कुछ अदाकाराएं दौरान शूटिंग बेहोश भी हो जाती हैं। उसने बताया कि ऐसे ही मनाजिर पर मजबूर किए जाने की वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। लीना का कहना था कि फैश फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर ने मेरी जिंदगी ही तबाह कर दी है और अब मैं जहां भी जाती हूं तो लोग मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हैं और अब मैंने इंडस्ट्री तो छोड़ दी है मगर इसके मनफी असरात ताहाल मेरे साथ हैं और शायद इनसे मेरी कभी जान नहीं छूटेगी। मैं समझती हूं कि फैश फिल्म इंडस्ट्री में काम करना उम्र कैद की सजा के मुतरादिफ है, लिहाजा जो खवातीन इस इंडस्ट्री में आने का सोच रही हैं, मैं उन्हें नसीहत करूंगी कि इस तरफ आने का ख्याल जहन से निकाल दें। ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी खुशनुमा है, अंदर आने पर मालूम होता है कि यह इससे कहीं ज्यादा तारीख जगह है। मुझे 12 साल की उम्र से फैश फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का शौक लाहक था, लेकिन मैं इस पेशे में सिर्फ 8 महीने ही गुजार सकी और अब तक उन 8 माह की तल्ख यादें मेरा पीछा कर रही हैं। 24 साला लीना रोड्स ने बताया कि बाहर के लोगों को लगता है कि फैश फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि फैश फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकाराओं को इंतहाई कम मुआवजा दिया जाता है और मैं भी फैश फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद ही अमीर हुई हूँ। लीना रोड्स ने बताया कि जब मैंने इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार की तो उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में बमुश्किल $1,00,000 पड़े थे, ताहम अब मैं लाखपति हूं। दोस्तों, उस इंटरव्यू में जब लीना रोड से फैश फिल्मों की शूटिंग से मुतालिक सवाल किया गया तो उसका कहना था कि इन फिल्मों की शूटिंग में 1% भी हकीकत नहीं होती, बल्कि जैसा हम देख रहे होते हैं हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यहां तक कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शूटिंग करने के दौरान अदाकार गिर जाता है और कभी कभी तो वो बेहोश भी हो जाता है। उसने बताया कि ऐसा ही एक वाकया हमारी साथी फैश अदाकारा जियाना ड्योर के साथ भी पेश आया था, जो शूटिंग के दौरान मुख्तलिफ अंदाज से बदफेली करने की वजह से बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आई तो उसका जिस्म मफलूज हो चुका था। उसने बताया कि जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो मालूम हुआ कि इसमें विटामिन B12 की कमी वाके हो चुकी है और इसका जिस्म इसी विटामिन की कमी की वजह से मफलूज हुआ है। लीना का कहना था कि वो कई माह तक बीमार रही और तवील इलाज के बाद इसका जिस्म दोबारा हरकत के काबिल हुआ। फैश फिल्मों की अमरीकी अदाकारा लीना रोड्स ने इस इंटरव्यू के दौरान अपनी परवरिश के बारे में ऐसा इंकिशाफ किया कि सुनने वाले दंग रह गए। डेली स्टार के मुताबिक लीना रोड्स ने बताया कि इसकी परवरिश इंतहाई मजहबी अंदाज में हुई थी, जहां पादरी इसे यहां तक तलकीन किया करते थे कि जिंदगी में अपने शौहर को अजदवाजी ताल्लुक से कभी मना नहीं करना, लेकिन मेरे घर में कोई अच्छा माहौल नहीं था, चुनांचे मैं ज्यादा बाहर रहने लगी। इसी वजह से मैं गलत लोगों में घिर गई, जबकि मेरे दोस्तों में मंशियात के धंधे से वाबस्ता लोग भी थे और दीगर जरायम भी करते थे। मैं इन जराइम में शरीक नहीं होती थी, लेकिन इनके साथ घूमती जरूर थी और इसी वजह से 16 साल की उम्र में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे जेल हो गई। मुझे 5 साल कैद हुई थी, तहम 1 साल बाद मुझे रिहा कर दिया गया। इंटरव्यू के आखिर में उसने बताया कि इस सजा के बाद मैंने तालीम छोड़ दी और एक होटल पर वेट्रेस की नौकरी करने लगी, जहां मुझे इंतहाई मुख्तसर लिबास पहनकर ग्राहकों को डील करना होता था। मैंने कई हुसन के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और फिर मैं 18 साल की उम्र में फैश इंडस्ट्री में कैरियर शुरू करने के लिए कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गई। वहां मेरे साथ ऐसा इबरतनाक सलूक किया गया जो मैं बता नहीं सकती।
इसके अलावा लीना का कहना था कि ये फैश वीडियोस हमारी नस्लें नौ को जहनी मरीज बनाने के लिए काम कर रही हैं। यानी जो हजरात फैश वीडियोस देखते हैं उनके जहन में ये बात बिठा दी जाती है कि टाइम ही सारा कुछ है, जबकि इन मासूम लोगों को ये मालूम नहीं होता कि एक 10 या 20 मिनट की वीडियो जो वो देख रहे हैं उन्हें कई दिन लगाकर रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो अपने फेवरेट करेक्टर को देखकर उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो जल्द ही नाकाम हो जाते हैं और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, और इसी की आड़ में फिर ये कंपनियां मर्दाना कमजोरी जैसी दवाओं का धंधा करती हैं और घर में तलाक का सबब बनती हैं। ख्वातीनों हज़रात, यहां अगर तारीख की पहली फैश वीडियो की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में द स्लेव मार्केट के नाम से एक फिल्म मंजरे आम पर आती है, जो दुनिया की सबसे पहली फैश या पोर्न फिल्म थी, जिसमें फैश मनाजिर और जिंसी गुफ्तगू को सरेआम दिखाया गया था। इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने कास्ट किया था, जिसने इस फिल्म के बाद फैश तस्वीर को प्रिंट करवाकर बेचना शुरू कर दिया, जिनकी मदद से लोगों में मजीद फैश तस्वीरात को पैदा किया गया और ये कंपनी इन उरियां तस्वीर के जरिए लोगों को अपनी फिल्म की जानिब रागिब करती। लिहाजा यही वजह थी कि इनकी पहली पोर्न फिल्म ही सुपरहिट हो गई। चूंकि ये फिल्मी दुनिया का आगाज था इसलिए उस वक्त कोई सेंसर बोर्ड नहीं था, इसलिए द स्लेव मार्केट नामी पोर्न फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया की इस कंपनी को रातों रात दौलत के ढेर पर खड़ा कर दिया। लेकिन इस कंपनी का मालिक एक निहायत चालाक और शातिर शख्स था और उसे पता था कि किसी भी मजहब में जिस्म की नुमाइश करने की इजाजत नहीं है, और उसे यह भी अंदाजा था कि फिल्मोग्राफी के कानून आते ही इन फैश फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लिहाजा उसने पोर्नग्राफी के हक में मुल्क गिर मुहिम चलाई ताकि पोर्न इंडस्ट्री के खिलाफ कानून आने से पहले पहले अवाम को अपने साथ मिला सके। इस मकसद के लिए उसने उस वक्त के बड़े बड़े सहाफियों और कालम निगारों को पैसे की मदद से अपने साथ मिलाया और पोर्नोग्राफी के हक में इशाअत कराने के लिए इन सहाफियों को बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की। इस तरह वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो गया और उन सहाफियों ने अखबारों के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दी, जिनमें से कुछ ने कहा कि सेक्स एक कुदरती अमल है, लिहाजा इसको फिल्म की सूरत में दिखाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जबकि इनमें से कुछ लोगों ने मजहबी दलायल देते हुए कहा कि जब फलां देवी नहाती थी तो बहुत से लोग उसे देखा करते थे, लिहाजा इन मनाजिर को फिल्म की सूरत में लोगों तक पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब इकदाम के बावजूद 1910 में ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने फैश मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी और अपने कवानीन में लिखा कि फिल्मों में औरत को अपनी कमर का हिस्सा दिखाने के अलावा कोई हिस्सा दिखाने की इजाजत नहीं होगी, और वो भी उस सूरत में जब औरत बैठने की हालत में होगी, जबकि इस हद से तजावुज करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ऑस्ट्रेलवी अदालत के ये कवानीन दुनिया की पहली पोर्न फिल्म द स्लेव मार्केट के मालिक के लिए भयानक साबित हुए और 1911 में ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए और इसके 53 स्टूडियोज को आग लगा दी गई, जबकि इस फिल्म में काम करने वाले पोर्न स्टार्स को भी जेलों में डाल दिया गया। लेकिन इस फिल्म के मालिक को हालात का पहले से ही अंदाजा हो चुका था, लिहाजा वो अफ्रीका की जानिब भाग गया। इस तरह 1911 से 1914 के दौरान मुकम्मल तौर पर पोर्न इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया, लेकिन हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों और गैर जिम्मेदारी की वजह से जल्द ही इस इंडस्ट्री ने दोबारा कदम जमाने शुरू कर दिए और 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी, साले समंदर आयाशी के अड्डे बन गए और मियां बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। खैर दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बरेसगीर में इस इंडस्ट्री ने कदम कैसे जमाए और बॉलीवुड की कौन कौन सी हीरोइनों ने इनका साथ दिया, तो इस टॉपिक पर हमारी तहकीकी वीडियो देखने के लिए कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।